नमस्कार। नमस्ते। रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि करप्शन ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी इंडिया की जिसको सब लोग ऐसे ले रहे थे कि अब अगर जीना है इंडिया में तो करप्शन को मान के चलो कि होना है या करना ही करना है, बट इससे लोग परेशान भी बहुत थे। पिछले 4 सालों में ऐसा हुआ है कि जो जितने लोग पैसा ले रहे थे वो इतना डर चुके हैं, यहाँ तक कि सिस्टम में लीकेज भी रुक गया है। गर्व तो होता है इस बात का, पर आश्चर्य भी होता है। इतने साल से छोटे से थे तब से देखते आ रहे हैं ये बड़ी प्रॉब्लम, 4 साल में कैसे सही हो गई, आपसे पूछना जरूर चाहेंगे। ये बात सही है कि हमारे देश हमारे बाद भी जो देश आजाद हुए वो कहां से कहां पहुंच गए। हम अपने ही अंदर ऐसी बुराइयां पालते गए और एक के बाद नई बुराइयां लेते आते गए। जैसे शरीर में एक बार डायबिटीज आता है ना, तो सारी बीमारियों को वो निमंत्रित करता है, वो राजरोग बोला जाता है। डायबिटीज अपने आप में बुरा दिखता नहीं है, पता नहीं चलता है, लेकिन एक बार डायबिटीज हो तो हर बीमारियां। ये करप्शन एक ऐसी दिमाग है जो सारी बीमारियों को ले आती थी। जब तक आप करप्शन रूपी दीमक से देश को मुक्त नहीं करते हैं, तब तक आप और बीमारियों से भी मुक्त नहीं हो सकते। और इसलिए काम थोड़ा कठिन है और हर कोई ये काम कर नहीं सकता है जी। जिसको खुद को कुछ लेना देना नहीं है, जिसको अपने लिए कुछ करना नहीं है, वो जरूर इस काम को कर सकता है। और इस देश में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो नियम और कानून से जीना चाहते हैं। हमने उन्हीं को प्रोत्साहित किया, उसी का परिणाम है। अब आप देखिए, हमारे देश के युवा तय कर लें कि हम कहीं पर भी शॉपिंग के लिए जाएंगे तो हम डिजिटल पेमेंट करेंगे, मोबाइल ऐप से ही पैसे देंगे। मुझे बताइए साहब, अकाउंट से चलना शुरू हो जाएगा नहीं जाएगा? कोई गलत लेगा तो पकड़ा जाएगा नहीं पकड़ा जाएगा? अगर वो व्यवस्था ठीक हो गई तो कुछ भी बुरा होगा क्या? यानी हम भी अगर कंट्रीब्यूट करना शुरू करें, और आज हुआ है, आप पहले की तुलना में डबल संख्या, 70 साल में इनकम टैक्स देने वालों की संख्या डबल हो गई। ये ईमानदारी का रास्ता नहीं आया तो क्या है? तो ये संभव है और आप लोगों के साथ सहयोग से जरूर संभव होगा।